अभी हम देख रहे हैं एशियन पेंट की चार्ट, तो देखिए कल मार्केट में यहाँ पे शार्प सेलिंग आया, बहुत ही अच्छा खासा सेल ऑफ आया है। ठीक है, हम लोग ने जो प्रेडिक्ट भी कर रहे थे उसी हिसाब से यहाँ पे आया। जो लोग ने भी सेल साइड का अपॉर्चुनिटी मिला होगा उन लोगों को मिला होगा, और अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पे, या तो प्राइस को पकड़ा होगा उन्होंने। ठीक है, अच्छा खासा मोमेंटम भी दिया है। तो यहाँ पे एक बार देख लीजिए, ये जो मार्केट था यहाँ पे अच्छा खासा अपसाइड मोमेंटम दिया। ठीक है, मोमेंटम देने के बाद ये राइजिंग वेस्ट टाइप का पैटर्न बनाया था, हम लोग ने उसके ऊपर बात किया था। ठीक है, यहाँ पे ट्राई हुआ फेल हुआ, यहाँ पे ट्राई हुआ फेल हुआ, यहाँ पे ट्राई हुआ नहीं कर पाया, और नीचे से थोड़ा रेजिस्टेंस सपोर्ट लेके ऊपर आया था। यहाँ पे उसका रेजिस्टेंस पॉइंट था, ये जो लेवल है ना, ये जो लेवल है ये रेजिस्टेंस पॉइंट था। तो मार्केट यहाँ पे तो नहीं सस्टेन कर पाया यहाँ पे, लेकिन हिट हुआ यहाँ पे, बहुत ही जबरदस्त सेल ऑफ आया यहाँ पे देख सकते हैं। लेकिन ये एक्चुअल बात है कि आप यहाँ पे पकड़ नहीं सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे कंफर्मेशन लेके अपने ट्रेड करेंगे तो हो सकता है, तो चढ़िए वो तो वहाँ तो हम कैच नहीं कर सकते, यहाँ पे हम लोग को कन्फर्मेशन दे दिया। यहाँ पे देखिए सेल ऑफ जैसे इसके नीचे है, बहुत ही अच्छा खासा फॉल वन साइड मोमेंटम दिया है ये वाला, तो यहाँ पे हो सकता है कि थोड़ा अच्छा खासा रिट्रेस कर दे, क्योंकि इतना बड़ा फॉल है। रिट्रेस करने के बाद अगेन फॉल कंटिन्यू कर सकता है जैसे लग रहा है। ठीक है, तो जैसे ही इसके नीचे भी जाने लगता है हम लोग को अच्छा खासा डाउन साइड मोमेंटम देखने को मिल सकता है, तो बहुत ही अच्छा खासा डाउन साइड का टारगेट मिल सकता है। अगर लॉन्ग साइड भी है तो लॉन्ग साइड का इतना प्रोबेबिलिटी नहीं है, डाउन साइड का प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। तो यहाँ पे लॉन्ग कब कर सकते हैं, लॉन्ग तभी कर सकते हैं जब ये अगेन चैनल में घुसेगा और अच्छा खासा ब्रेकआउट दिखा के सस्टेन करने लगेगा और इसके ऊपर टिक जाएगा जब। ठीक है, ये वाला लेवल है जो इसके ऊपर इसको टिकना पड़ेगा, उसके बाद ही हम लोग इस वहाँ पर लॉन्ग साइड जा सकते हैं। अदरवाइज ये सेकेंड चैनल में ऐसे नैरो रेंज बना के अगेन फॉलो भी कर सकते हैं, तो उसी हिसाब से यहाँ पे आपको देख के ट्रेड करना पड़ेगा। फिलहाल तो सेल साइड का अपॉर्चुनिटी ज़्यादा मिल सकता है और अच्छा खासा मोमेंटम भी।